लेबनान में इजरायली सेना की ओर से चलाए जा रहे जमीनी ऑपरेशन इसराइल पर ही बैकफायर होते नजर आ रहे हैं। गाजा में हमास से उलझ रही इजरायली सेना पहले ही बड़े झटकों से त्रस्त हो चुकी है, अब लेबनान में उसे हिजबुल्ला की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इसराइल को अपनी शुरुआती दौर से हिजबुल्ला से टक्कर मिल रही है। हाल में इजरायली रक्षा बलों ने खुलासा किया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ भीषण लड़ाई में 10 इजरायली सैनिक मारे गए और कम से कम 28 अन्य घायल हो गए। बताया जाता है कि इजरायली सैनिकों की मौत सिर्फ 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग घटनाओं में हुई। लेबनान में जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से भीषण लड़ाई के दौरान 27 सैनिक मारे गए, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने 70 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। सबसे हालिया घटना में 8वीं हस्केन ब्रिगेड के 79वीं बटालियन में 5 रिजर्व सैनिक मारे गए। ये तब हुआ जब दक्षिणी लेबनान में एक इमारत में हिजबुल्ला का रॉकेट सप्लाई पॉइंट पर गिरा। इस दौरान 19 अन्य घायल हो गए, जिसमें से 4 की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। आर्मी रेडियो के मुताबिक घटना की IDF की जांच के पहले नतीजों में कहा गया कि 79वीं बटालियन कई दिनों से मोर्चे के पूर्वी हिस्से में एक गांव पर हमला कर रही थी। 24 अक्टूबर की देर रात हिजबुल्ला ने IDF पर रॉकेटों की बौछार की, जिसमें से एक रॉकेट उस इमारत पर जा गिरा जहां एक रसद काफिला मैदान में सैनिकों के लिए सप्लाई लेकर आया था। कुल 24 जवान घायल हुए, जिनमें से 5 की बाद में मौत हो गई, 4 को गंभीर चोटें आई। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसके अलावा 4 रिजर्व सैनिक तब मारे गए जब हिजबुल्ला के लड़ाके सुरंग की शाफ्ट से निकले और ग्रेनेड फेंककर IDF सैनिकों को चौंका दिया था, जबकि 5वां सैनिक एक अलग घटना में मारा गया। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनानी सीमा पार से उसके हमलों का मकसद हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। इसने पहले ही कई सीमावर्ती गांवों को उड़ा दिया है। लेबनान के दक्षिण में हिंसक हमले जारी रखे हुए हैं, निवासियों को घर वापस न लौटने की चेतावनी दे रहा है। वहीं इस घटना पर इजरायली PM ने भी दुख जताया है। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश हस्केन ब्रिगेड की 79वीं बटालियन के 5 लड़ाकों की मौत पर शोक मना रहा है। जो दक्षिण लेबनान में मारे गए जवानों ने हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। इस बीच इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा लेबनान के साथ उत्तरी मोर्चे पर युद्ध वास्तव में हिजबुल्ला के कमांडरों को बाहर निकाले जाने के बाद रुक सकता है, मगर ये इजरायली PM की ओर से अपनाए गए रुख को नहीं दिखाता है, जिन्होंने युद्ध विराम समझौते से इनकार कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा माना जा रहा है कि समूह फिर से संगठित हो रहा है, युद्ध में अधिक एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है।